क्या होगा अगर हेल के राजा लूसीफर और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र जैसे दैवी अस्त्र हेवन की वेपन है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने बनाया है। इसलिए आई थिंक उनसे लूसीफर को हार्म करना या मारना एक्चुअली पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए वो ना ही रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। अगर वो विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। लूसीफर क्योंकि हेल का राजा है, इसलिए इसे तुम हमारे यमराज से कंपेयर कर सकते हो जो कि हेल और हेवन दोनों के राजा है और इनकी पावर्स भी काफी हद तक सेम ही है। बस यमराज के साथ चित्रगुप्त होते हैं जबकि लूसीफर अकेले काम करना पसंद करता है। रावण ने अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, दानवों, असुरों और देवताओं तक को हराया है, और क्योंकि वो यमराज तक को हरा चुका है इसलिए एक तरह से तुम बोल सकते हो कि उसके लिए लूसीफर को भी हराना एक तरह से पॉसिबल है। चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, पर एक्चुअली रावण लूसीफर को हरा सकता है। जबकि लूसीफर अगर रावण का सिर भी काट देगा तो फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि लूसीफर बहुत ज्यादा पावरफुल और इमॉर्टल तो है, बट एक्चुअली उसको मारना गॉडली या दैवी अस्त्रों से पॉसिबल है। और रावण के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा ब्रह्मदेव का वरदान, जिसकी वजह से उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड की कैटेगरी में आता है, इसलिए ना ही वो रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर डिस्ट्रक्टिव होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और हो सकता है ये अगले कई हजार सालों तक चलती रहे, बट इन दी एंड इस फाइट का विनर रावण ही होगा। लूसीफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास एक्चुअली पावर्स हैं कि वो रावण को हरा या मार सके, पर ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को मारने या हराना किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास लूसीफर को मारने के लिए वेपन्स और एक्सपीरियंस दोनों है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर इस फाइट के जीतने के चांसेस रावण के ज्यादा है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा करेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।